पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बैलेट पेपर लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिया। स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ और नून लीग के उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं। बैलेट पेपर पर जरूरी हदायत भी दर्ज की गई हैं। ये बैलेट पेपर की कॉपी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बैलेट पेपर लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिया है। स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ और नून लीग के उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, जबकि बैलेट पेपर पर ज़रूरी हदायत भी दर्ज की गई हैं। आपको बताएं कि आज अहम इजलास है पंजाब असेंबली में। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सिलेक्शन आज होने जा रहा है। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बैलेट पेपर लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ और नून लीग के उम्मीदवारों के नाम भी इस बैलेट पेपर पर दर्ज हैं, जबकि बैलेट पेपर पर ज़रूरी हदायत भी दर्ज की गई हैं। आपको बताएं तो आज अहम इजलास है। इसी हवाले से अराकीन असेंबली की आमद का सिलसिला भी जारी है। कुछ ही देर में ये इजलास शुरू हो जाएगा और इजलास की सदारत स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल करेंगे। उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास चलेगा और फिर आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बैलेट पेपर लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ और नून लीग के उम्मीदवारों के नाम इस पर दर्ज हैं, जबकि बैलेट पेपर पर ज़रूरी हदायत भी दर्ज की गई हैं।